गिरुआ पहने देंगे सपक क्या बात बांधते कुछ हैं, करेंगे कुछ मतलब माहौल इस बार किसका बनाएगा भाई? देखिए माहौल तो किसी का बन जाएगा, अगर मनोज सिन्हा आएंगे तो मनोज सिन्हा का बन जाएगा। मतलब कि अभी मनोज सिन्हा नहीं है लेकिन आ जाएंगे तब बन जाएगा। बन जाएगा मतलब अफजाल को वोट दे रहे हैं लेकिन मनोज सिन्हा आएंगे तो माहौल हो जाएगा भाई। जनता बोल रही है ना, हम भी बोल रहे हैं सुन। और बीजेपी बोली कि हम 80 सीट जीत जाएंगे। कैसे 80 सीट जीत जाएंगे? क्या मैनपुरी हार जाएगी, सपा कंगोर हार जाएगी, बदायूं हार जाएगी, आजमगढ़ हार जाएगी, गाजीपुर हार जाएगी, सलेमपुर हार जाएगी, बलिया हार जाएगी, तमाम सीटें हैं, कहाँ के चुनाव हार जाएगी? जो अगर मनोज सिन्हा खाड़ होते हैं तो वो जीत जाएंगे, बाकी सब हार जाएंगे। मनोज यादव हैं तो सपा को वोट देंगे? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। सिन्हा जी काम किए हैं, हाँ वो रहेंगे तो बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगा। तो लेके जब जो चीज़ की जरूरत पड़ी है सरकार ने वो किया है। अब मान लीजिए आपकी मानसिकता ही वही हो गई कि हाँ ये सरकार विरोधी है, तो वो फिर उनके दिमाग को हम खाली नहीं कर सकते। अगर उनके दिमाग में भर गया है कि हाँ ये सरकार, तो किसी हाल में विरोध करेंगे ही। सोचते क्या है, उनके जीवन में बदलाव क्या आया? आपका नाम क्या? जी मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक भाई, बदलाव क्या आया, इस बार का चुनाव कैसा होगा? 2024 का चुनाव परिवर्तन वाला चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पेपर लीक हो जा रही है। अभी जीत जाएंगे कैसे 80 सीट जीत जाएंगे? क्या मैनपुरी हार जाएगी, सपा कंगोर हार जाएगी, बदायूं हार जाएगी, आजमगढ़ हार जाएगी, गाजीपुर हार जाएगी, सलेमपुर हार जाएगी, बलिया हार जाएगी, तमाम सीटें हैं, कहाँ के चुनाव हार जाएगी? जो कि उसकी गढ़ है, गाजीपुर हुआ, मैनपुर हुआ, ये तमाम सीटें जिस पर अखिलेश यादव कि अरे सरकार बनती है तो कहाँ से हार जाएगी? आप ये बोलना और करने में अंतर है। हम तो बोल रहे थे कि अरे 15 लाख खाता में पैसा देंगे, क्या खाता में 15 लाख रुपया आया? कुछ नहीं आया। अगर हम आपसे पूछें, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ मैदान में, निरहुआ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो हैं सपा के मुखिया हैं वो परिवार को ही सीट दे रहे हैं इस बार, समझ में आ जाए? देखिए उनके बड़े भाई हैं जो कि नाम नहीं लेना चाहिए, उनके गुरु भी माने जाते हैं, विजय लाल यादव जो कि बिरहा के सम्राट, उन्होंने बोला कि निरहुआ क्या बात कर रहे हैं, कहाँ धरती कहाँ आसमान, उन्होंने बोला, उनके भाई साहब बोले, उन्होंने बोला कि अम्पाली दुबे के साथ लेके चलेंगे तो चुनाव नहीं होता है। नक्सलियाँ कभी ये गाना गा गई कि ऐसा ऐसा गाना जाएंगे क्योंकि आप गाना कुछ याद है तो बोली गाना हमें याद नहीं है, ऐसा ऐसा गाना है कि क्या कभी दुल्हन बन जाते हैं, कभी ही बन जाते, निरहुआ थटल रहे, ये तमाम ऐसी सब गाना गाते हैं जो कि परिवार के साथ देखने लायक नहीं है और इनको दोबारा चुना जाए। अगले बार ये हो गया था कि BSP चुनाव लड़ी और गुड्डू जमाली ने बहुत वोट पाया, पर इस बार गुड्डू जमाली सपा के साथ हो गए, वो MLC हो गए हैं और निरहुआ को लोग एकदम मतलब दर किनार कर रहे हैं। वो आके आजमगढ़ में अपना शूटिंग मुंबई में आके कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बस गाना जा रहे हैं, आई हो आई रो यही कुछ कर रहे हैं। जी मनोज कुमार यादव हमारा नाम है। ये सरकार से हम लोग खुश नहीं हैं। सपा जीतेगी? हाँ, क्योंकि भाजपा सरकार में कोई गरीब लोग को मिला ही नहीं कुछ। अगर मनोज सिन्हा खाड़ होते हैं तो वो जीत जाएंगे, बाकी सब हार जाएंगे। मनोज सिन्हा से प्रभावित है? जी सर। क्यों मनोज सिन्हा से? वो अच्छा काम किए हैं, काम किए हैं गाजीपुर के लिए। अगर मैं ये कहूँ, जो लोग देखेंगे कि लोग कहते हैं कि अगर आप यादव हैं तो सपा को वोट देंगे? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। सिन्हा जी काम किए हैं, हाँ वो रहेंगे तो बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगा। तो और अगर मनोज सिन्हा BJP से आते हैं तो क्या वो यादव वोटरों को साध पाएंगे, वोट मिल सकता है सिन्हा को? हाँ, कुछ परसेंट मिल सकता है। भाजपा की सरकार अगर आ रही है तो यहाँ का सांसद हो या विधायक हो, जो भी हो, वो उसी पार्टी से हो, क्योंकि इससे क्या है कि हमारे ज़िले का विकास रुक जा रहा है। ज़िले में यूनिवर्सिटी नहीं है, देख रहे हैं आप, बीच में ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया था, आज तक उस पर कुछ हुआ नहीं। विपक्ष के जो भी हैं, मन्नू अंसारी या जो भी, उन्होंने मान लीजिए उसको उठाया, वीरेंद्र यादव जो भी है। जी सर, जात धर्म से उठ के वोट करना चाहिए, जो विकास कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। जी सर, सही हो गई है। देखिए कहीं ना कहीं पुत्र अपने बाप अपने बेटे को चाहता है कि हमारे जीते जी कहीं ना कहीं वो सेट हो जाए, तो ये गलत चीज़ ना है, चाहे वो आप हो चाहे जो भी हो। अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं तो आप चाहें कि हमारा बेटा बिजनेसमैन बने। तो अंसारी ने एक बात बोला था कि हमने DP यादव से चुनाव नहीं लड़ाया रहा था, तो उस समय भी सिन्हा जी चुनाव हार गए, उस समय भी सिन्हा जी चुनाव हार गए रहते। तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग भी लड़ेंगे तो आज भी वोट बैंक में कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, पर अंतर है वो कम हो जाएगा। इस बार का चाचा मूड क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में गाजीपुर? गाजीपुर अमान का बता जाए, अमान तो भैया मनोज सिन्हा, अरे बाण का ना अफजाल, अफजालिया वाला ना बाण जाए अमान का, अफजाल अंसारी। हाँ ठीक है।
वो ठीक है। आपका नाम? शिवराज यादव। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, लोग नाम दे देते हैं पप्पू पप्पू बदनाम करने के लिए। राहुल के साथ कुछ घटना हो गई थी, अफजाल अंसारी ने उन्हें उठा के अपने उनको वो किया। और सिन्हा जी की बात है, सिन्हा जी भी अच्छे नेता हैं। अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? अफजाल अंसारी चुनाव निकाल लेंगे। आप क्या कहेंगे, कह रहे हैं जीत रहे? कांग्रेस आ कह रही है, ये तो गलत फहमी है। कांग्रेस आ कह रही है आप ये बताएं? कांग्रेस नहीं आ रही। अब देखिए, पहले ही से लोग बोल दे रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आ रही है, तो ये क्या चीज़ें हैं? ईवीएम पर चुनाव हो नहीं है, कुछ कहा जा नहीं सकता है। ईवीएम का जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया है, आप जाके शायरी उनका आप फोन चला। आप ईवीएम के बारे में निरहुआ पहले ही से बोल रहा है कि मैं चुनाव निकाल लूँगा, पर निरहुआ इस बार आजमगढ़ की धरती इस बार निरहुआ को बता देगी कि आजमगढ़ वीरों की धरती है, ये मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है। और इसमें इस बार आजमगढ़ में निरहुआ को पटकनी देते हुए मुंबई भेजा जाएगा, गाजीपुर से मुंबई। तो मान लीजिए जो भी है, लेकिन वो मोदी जी की विकास है, वो बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं। जी मोदी जी का विकास तो यही हुआ है कि गैस जो था आज की डेट में इतनी महंगी हो गई और तमाम चीज़ें महंगी हो गई है, लोग बेरोजगारी के परेशान है, कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, तमाम चीज़ें गैस ही बस महंगा हुआ है। चावल, दूध जिस समय मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी, दूध 35 रुपये मिलती थी, दूध की कीमत आज 66 रुपये लीटर है। तो ये भी चीज़ तो देखिए आप, महंगाई तो हर जगह है। महंगाई ये था कि स्मृति ईरानी 2009 में सिलेंडर लेके धरना देती कि हाय रे ये गैस, आज की डेट में जो गैस 900 1100 फिर 900 आया, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आपका गैस का दाम 400-500 रुपया गुना बढ़ गया, इस पर नहीं बोल रही है स्मृति ईरानी और ना कुछ कर रही है। गैस जब 400 रुपये था तो यही रोजा याद है आप, जो अभी ओवरब्रिज बन गया वहाँ लोग धरना देते थे, आज आपके घर तक पहुँच जा रही है। तो समय के साथ से अगर महंगा हुआ है तो गलत चीज़ नहीं है। पेट्रोल 35 रुपये था तो 70 रुपये चला गया, तो कौन सा गलत है? तो जब महंगाई बढ़ेगी, मान लीजिए उस समय लोगों की सैलरी हुआ करती थी 18,000 रुपये सरकारी आदमी जो भी था, अब उसकी अगर महंगाई भत्ता सब जोड़ जोड़ के 40,000 पहुंच जा रही है, तो महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपका कमाई का स्रोत भी तो बढ़ रहा है। आज की डेट में हमारे देश की स्थिति इतनी हो गई है, आप GDP से लेकर तमाम चीज़ें देखें तो हमारी देश की स्थिति बहुत डाउन लेवल पर हो गई है, और इससे पहले नहीं। हमारे देश पर कितना कर्जा था, आज की डेट में उससे दुगना कर्जा बढ़ गई है। भैया सही कह रहे हैं, महंगाई तो बढ़ ही रहा है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। गैस सिलेंडर है, गांव के गरीब लोग कहां से भराएंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो इसमें सरकार रोजगार। इस बार केंद्र में कौन आ रहा है? केंद्र में जो विकास किया है वो आ रहा है। देखिए केंद्र में तो समय बताएगा, 2024 में भी 2 महीने का समय है और 4 जून को रिजल्ट आना है। और मैं गाजीपुर की बात करूं तो अफजाल अंसारी के खिलाफ BJP को कभी कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, पर मेरा दावा है कि अभिनव सिन्हा गाजीपुर के चुनाव लड़ेंगे और इस बार की धनता अफजाल अंसारी को विजयी बना के दूसरी बार लगातार लोकसभा में भेजने का प्रयास करेगा। देखिए जनता भेजे वो अपनी जगह, मेन विकास होने चाहिए। अगर हम अपने जिले की बात करें तो जिले का विकास से मतलब होना चाहिए, कोई आए बात मेन विकास हो। यहाँ ले सिन्हा जी लड़ते हैं तो बहुत कांटे की टक्कर रहेगा। हाँ क्या कहें सिन्हा जी की बात हो? सिन्हा जी कुछ नहीं, हम लोग सपा में हैं, सपा को जिताएंगे। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं गेरुआ गेरुआ रंग है क्या होगा? हम सपा के देते हैं, तो गेरुआ पहने देंगे सपा को क्या बात? बांधते कुछ करेंगे कुछ, मतलब माहौल इस बार किसका बनाएगा भाई? देखिए माहौल तो किसी का बन जाएगा, अगर मनोज सिन्हा आएंगे तो मनोज सिन्हा का बन जाएगा। मतलब कि अभी मनोज सिन्हा नहीं है नहीं। लेकिन आ जाएंगे तब बन जाएगा, बन जाएगा। मतलब अफजाल को वोट दे रहे हैं लेकिन मनोज सिन्हा आएंगे तो माहौल हो जाएगा भाई। जनता बोल रही है ना, आप भी तो बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं संग जी। क्या माहौल की जो बात हो रही है कि अगर कोई बड़ा अगर बड़ा कैंडिडेट आ जाता है तो फिर दिक्कत होगी? मैं मनोज सिन्हा अच्छे आदमी हैं, मनोज सिन्हा को मैं सम्मान देता हूं और मनोज सिन्हा अच्छे नेता भी हैं और अफजाल अंसारी भी अच्छे नेता हैं। पर अफजाल अंसारी इसलिए, देखिए विकास हो या कुछ हो विकास सिन्हा जी किए, पर आप ये भी तो देखिए गाजीपुर में कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बना,
आप ले ले स्टार्ट कर लीजिए। गाजीपुर में कोई सांसद अफजाल अंसारी सांसद थे, ओम प्रकाश जी सांसद थे और राधे मोहन सिंह जी सांसद थे और तमाम सरजू पांडे सांसद, ये लोग केंद्रीय मंत्री नहीं, पहले जिले के ऐसे व्यक्ति मनोज सिन्हा जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो काम किया, काम क्या, केंद्रीय मंत्री है तो योजना आती है, पैसा आता है, आप सांसद हो जाएंगे तो पर महीने अरे पर साल 5 करोड़ रुपये की निधि आएगी, आप क्या विश्वास करेंगे। मतलब कि मनोज सिन्हा जी का आपका कहना है कि थे तब किए क्या काम, रेलवे में कुछ कामें हुई पर BSNL हमारा बहुत नीचे लेवल पर चला गया है और BSNL की स्थिति ये हो गई है कि जियो ने उसका एकदम वो कर दिया। ये चीज़ तो है, हाँ BSNL के लिए मैं कहूँगा कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप किसी प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देने के चक्कर में एक गवर्नमेंटेड कंपनी को आप गिरा रहे हैं, ये चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा। जनता की राय थी, मैं सुशील तिवारी गाजीपुर ज़िले से, ज़रूर देखिएगा बताइएगा, फिर हम कहीं और मौजूद रहेंगे जहाँ पे हम इसी तरीके से ज़मीनी हकीकत को देखेंगे और हम लोग ग्राउंड जीरो से जनता की राय, जनता की चौपाल गाजीपुर।